और उड़ीसा में भी हमारे 977 विद्यालय हैं, अनेक संस्कार केंद्र हैं, ऐसे पूरे देश में पूरे उड़ीसा में हमारा जो काम चलता है उसकी जानकारी आपके सामने आई है। विद्यार्थी केवल क्लासरूम टीचिंग करें, क्लासरूम में पढ़ाई करें, हम जैसे क्लासरूम टीचिंग करते हैं केवल वहीं तक सीमित ना रहें, बल्कि बाहर भी निकले। आज ये बात बार बार आने लगी है कि बच्चे अब खेल के मैदान में नहीं जाते, खेलते नहीं हैं, और इसके कारण से जिस प्रकार का उनका शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, नहीं हो पाता। विद्या भारती इस बात का खूब ध्यान रखती है, और इसलिए जैसे अभी आपके सामने आया, देश भर में अनेक स्तरों पर ये प्रतियोगिताएँ होते हुए ये जो हमारा राष्ट्रीय महोत्सव है जो यहाँ इस बार भुवनेश्वर में हो रहा है, वहाँ तक आप हमारे विद्यार्थियों के, हमारे छात्र भैया बहनों के, छात्र छात्राओं के प्रदर्शन को देख सकते हैं। आप सब आमंत्रित हैं, बार बार आमंत्रित हैं, देखते हैं आपके ध्यान में आएगा कि विद्या भारती क्या कर रही है, विद्यार्थी के अंदर की प्रतिभा को कैसे बाहर निकाला जाए। हम कहते हैं विद्या यही है, विद्या का काम यही है, तो वो प्रतिभा चाहे किसी भी प्रकार की हो। अभी हमारा आज धनबाद में ज्ञान विज्ञान मेला संपन्न हो रहा है 22 तारीख में जब तक के, तो वहाँ पर उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को बाहर आती है। और तो यहाँ आप देखेंगे जो खेल कूद है, अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, उनमें जिस प्रकार से उनकी प्रतिभा है वो ध्यान में आपकी आएगी, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि विद्या भारती कितना बड़ा काम कर रही है। एक विद्यार्थी का सर्वाधिक विकास से देश का वो ठीक ठीक सच्चा नागरिक बन सके, स्वस्थ नागरिक बन सके, ये आपके ध्यान में आएगा। आपके मन में अगर कोई और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, हमारे बंधु यहाँ बैठे हैं तो आपको जाएगा।